नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान। आज मैं बात करूंगा दोस्तों कोरोना के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप अपनी फैमिली का और अपना ये चेक कर सकते हैं कि आपको कोरोना के लक्षण है या नहीं है। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहां कहां कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सब कुछ दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तु टेक चैनल पे। जो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये आप चेक कर पाएंगे सारा का सारा माय जियो ऐप की मदद से। मैं आपको दोस्तों क्लियर तरीके से बताऊंगा, प्रैक्टिकल तरीके से, कि आप कैसे सारी चीजें चेक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आपको माय जियो का ऐप ओपन करना है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे इसका इंटरफेस। अब आपको कहीं नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 बटन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं कोरोना वायरस इन्फो टूल। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएंगे, आप लोगों के सामने भी ये दिखा देगा। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने क्लियर तरीके से दिखा दिया है बी अवेयर बी प्रिपेयर्ड। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिम्टम्स चेकर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे टेस्ट सेंटर दिया गया है, स्टेटस दिए गए हैं, FAQ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आप किस तरीके से आप कैसे चेक कर पाएंगे अपने आप को। तो यहाँ पे सिम्टम्स चेकर पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो आपको बिल्कुल सही तरीके से भर देना है, जिससे कि ये क्लियर तरीके से पहचान पाएगा क्या आपको ये सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो फॉर हुम यू आर टेकिंग दिस टेस्ट, आप किसके लिए टेस्ट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर योर सेल्फ करूँगा। तो जैसे मैं फॉर योर सेल्फ करूँगा आगे क्लिक कर देगा। व्हाट इज़ योर जेंडर, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मैं मेल हूँ तो मैं मेल पे क्लिक कर दूँगा। व्हाट इज़ योर एज ग्रुप, आपका एज कितना है। तो आप अगर 12 साल से नीचे के तो 12 साल सेलेक्ट करिए, 12 से 50 के बीच में तो 12 से 50 सेलेक्ट करिए। मैं 12 से 50 के बीच में सेलेक्ट करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू हैव एनी दीज हेल्थ कंडीशंस, अस्थमा, क्रॉनिक, डायबिटीज, हार्ट, मतलब आप इनमें से किसी भी बीमारी से रिलेटेड पहले आपको बीमारी है या नहीं है वो आपको भर देनी है। मेरे को यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नन ऑफ दी एवब सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आगे प्रोसीड हो जाएगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हैव यू और समवन इन योर फैमिली विजिटेड एनी ऑफ द बिलो कंट्री इन द लास्ट 14 डेज। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके घर में किसी ने 14 दिन से पहले या 14 दिन के अंदर किसी ने आपके घर में विजिट किया है, जैसे कि चाइना, इटली, स्पेन, ईरान। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नन ऑफ द अबव, मेरे यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाहर से इस टाइम पे आया हो वो 14 दिनों के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने वाला हूँ नन ऑफ द अबव। अगर आपके यहाँ पे कोई आया है तो प्लीज़ जरूर से सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे नन ऑफ द अबव करने वाला हूँ फिर से। अब यहाँ पे देखो आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हैव यू और समवन इन योर फैमिली ट्रेवल्ड विद इन इंडिया पब्लिक ट्रांसफर एंड कम इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन विद कफ, कोल्ड, फीवर, शॉर्टनेस और ब्रीथ इन द लास्ट 14 डेज। मतलब आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी जिसने रिसेंटली में ही ट्रेवल किया हो कहीं पे, जिसके कारण से बुखार, फीवर या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। और आपको दोस्तों ये विशेष याद रखना है, इन 14 दिनों के अंदर, मतलब 14 दिन से अंदर अंदर कोई बाहर गया है जैसे उसे कफ, कोल्ड, फीवर हुआ, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या मैं खुद नहीं हूँ इवन, जो कि बाहर गया हूँ इन 14 दिनों में। तो मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने के लिए। जैसे हम लोग नो करेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से दे रहा है, हैव यू और समवन इन योर फैमिली कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन कन्फर्म COVID-19 पेशेंट इन द लास्ट 14 डेज। मतलब आपके घर में कोई 14 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आपके घर में आया हो या कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हो, तो आपको सिलेक्ट करना है। मेरे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, ना मेरे घर पे कोई आया इन 14 दिनों के अंदर, तो मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ दोस्तों फिर से सिलेक्ट। अब डू यू हैव फीवर, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको बुखार है, तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करने वाला हूँ ऑब्वियसली दोस्तों। और डू यू हैव हेडक, क्या आपको सर दर्द है, तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करने वाला हूँ दोस्तों। आपको ये याद रखना है जो आपको एक्चुअल में है वो जरूर से भरना है, मेरे को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए मैं नो भर रहा हूँ। अगर आपको है तो आप यस कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है डू यू हैव कफ, तो मेरे को कफ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कफ नो क्लिक करूँगा। डू यू हैव कोल्ड, कि आपको जुकाम है, मैं यहाँ पे नो क्लिक करूँगा। डू यू हैव श्योर थ्रोट, कि आपका गला सूखता है, ये भी आपको बताना है।
अगर मेरा नहीं सूखता है तो मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ, अगर सूखता हो तो मैं यहाँ पे यस करने वाला हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन में नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको देखना है कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर आपको है तो ही आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल नो कर दीजिए। डू यू फील शॉर्टनेस और ब्रीथ, क्या आपको सांस लेने में ऐसा लगता है कि मेरी कम सांस आ रही है या जल्दी आपकी सांस टूट जाती है, ये आपको विशेष याद रखना है। तो आप यहाँ पे नो करेंगे या यस करेंगे वो आपके सांस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्रीथ किस तरीके से कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे क्लियर तरीके से सांस है, मैंने ट्राई भी किया तो सही है, तो यहाँ पे नो करने वाला हूँ। अब दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरीके से इसका अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ गया। डू यू हैव क्योरनेस इन योर वॉइस, क्या आपको बोलने में कुछ तकलीफ हो रही है, वो भी आपको भर देना, तो मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ। जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे उसने आपका रिजल्ट शो करा दिया है। रिस्क ऑफ कोविड 19 लो रिस्क, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और जो भी आपने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करे हैं वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे देखिए मेंशन किए हुए हैं कि आपने कौन से सिलेक्ट किए हो, वो सारे यहाँ पे आपके दिखा पा रहा है। तो आप यहाँ पे डन कर दीजिए, ये डन आपका टेस्ट पूरा हो गया है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप इस स्टार्टिंग में बताया था, कुछ और इसके टूल्स हैं वो भी मैं आपको दोस्तों अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे देख रहा है दोस्तों नेक्स्ट सेकंड टूल है टेस्ट सेंटर, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सेंटर है जगह जगह पर। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में रहते हैं, आंध्र प्रदेश के देखना चाहते हैं, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, गुजरात के। दोस्तों अभी के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे किसी भी एक का क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे दोस्तों दिखाना चाहूंगा, मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करा। और यहाँ पे क्लिक करने का अब यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे मैप में यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे आप व्यू मैप पे क्लिक करेंगे जो आपके पास पड़ता है अलीगढ़, लखनऊ, सैफई, जहाँ पे भी आप बनारस में कहीं पे भी रहते हैं वहाँ पे ये नियर बाई आपको दिखा देगा बाई मैप के द्वारा। अब दोस्तों नेक्स्ट इसका ये टूल है वो आपको फिर से अगेन बता देना चाहता हूँ, उसके बारे में भी स्टेटिक्स दिखा रहा है यहाँ पे। स्टेटिक्स में दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको जरूर से बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे 649 मतलब इतने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं इस टाइम पर। ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसके द्वारा आप ये चेक कर पाएंगे कि करंट में कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं इस टाइम पर। और यहाँ पे दोस्तों कंट्री भी दिखाता है कौन सी कंट्री के, आंध्र प्रदेश के 11 हैं, बिहार के 3 हैं, छत्तीसगढ़ के 3 हैं, दिल्ली के यहाँ पे 35 दिखा रहा है। दोस्तों बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में आपको 37 दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं लास्ट अपडेट जो है वो 3 बजे का है और 26 तारीख महीना 3 2020 का है, मतलब आप कह सकते हैं कि 26 तारीख तक 3 बजे तक इस टाइम पर जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या है वो 649 है, और जिसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं डेथ जो है वो 13 लोगों की हो चुकी है इस टाइम पर। इस तरीके से दोस्तों आप यहां पे करंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। और दोस्तों यहां पे ऑप्शन दिख रहा है FAQ, यहां पे क्या है फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, इससे आप कर पाएंगे। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है हेल्पलाइन का, आप यहाँ पे हेल्पलाइन पे क्लिक करके आप हेल्पलाइन जो कि इनका सेंटर है उन पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हो जो भी आपको कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग कंट्री का सबका एक एक फोन नंबर दिया गया है, वो आप चेक कर पा सकते हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ से चेक कर पाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आपने मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखा आप कैसे पता लगा सकते हैं, इवन अगर आपको कुछ है प्रॉब्लम तो आप कैसे कहाँ कॉल करेंगे, जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी और आप देख पाएंगे कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, ये अपडेट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ऐसी वीडियो को लोगों तक जरूर से पहुंचाना है ताकि वो लोगों को भी पता चल सके। मैं भी आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।